हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ऑटोमेशन। आज हम बात करेंगे यूज्ड कार परचेज़ के बारे में। दोस्तों, जब भी हम कोई पुरानी गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जो प्राइसिंग पे इफ़ेक्ट करते हैं। जब भी आपने पुरानी गाड़ी खरीदी होगी, नोटिस किया होगा कि उसका प्राइस कुछ ही टाइम बाद आधा रह जाता है, आधे से भी कम रह जाता है। तो वो कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जो हम गाड़ी लेते टाइम चेक नहीं करते और जब हम सेम गाड़ी को बेचने जाते हैं मार्केट में तो उसका प्राइस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जब भी डीलर गाड़ी खरीदता है तो वो पूरे पैरामीटर चेक करता है जो कि एक आम कस्टमर नहीं चेक कर पाता। तो आज वही चीज़ें बताएंगे हम आपको कि किस किस पैरामीटर्स का गाड़ी के प्राइसिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली गाइस, गाड़ी का जो प्राइस है वो ओनरशिप, वेरियंट, मॉडल, एक्सीडेंटल, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ओनरशिप कितने है गाड़ी के, 1, 2, 3, 4, 5, जितने ज़्यादा ओनर होंगे उतना गाड़ी का प्राइस कम रहेगा, और ओडोमीटर रीडिंग जितनी ज़्यादा चली हुई गाड़ी उतना गाड़ी का प्राइस कम रहेगा, और ये सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती है प्राइस पे। बट जो सबसे मेजर इफ़ेक्ट करती है प्राइस पे वो है एक्सीडेंटल। अगर गाड़ी एक्सीडेंटल होती है तो उस गाड़ी का प्राइस बहुत बहुत कम रहेगा और उस गाड़ी को आप परचेज़ करने से बचें। आइए हम बताते हैं आपको गाड़ी कैसे एक्सीडेंटल कैसे चेक करी जाती है, और उसमें जो मेन पार्ट होते हैं एक्सीडेंटल चेक करने के लिए, जैसे डोर्स चेंज है या नहीं है, और एप्रन बने हुए हैं नहीं है, पिलर कैसे हैं, मैं आपको बेसिकली वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले हमें पिलर कैसे चेक करने होते हैं गाड़ी के, वो मैं बताता हूँ। गाड़ी में तीन पिलर होते हैं, दिस वन इज़ ए पिलर, और दिस इज़ बी पिलर, और लास्ट वाला सी पिलर। अभी पिलर कैसे चेक करने होते हैं गाइस, जब भी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग होती है प्लांट में तो उसमें रोबोटिक पंच होते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है 1, 5, 2, 3, 4, 5, ये सारे सीक्वेंस में है और इक्वल डिस्टेंस पे हैं सारे। अब जैसे देख पा रहे होंगे, एक ये पंच है, ये है, ये है, ये सारे पंच है। दैट मीन्स ये ओरिजिनल है, ये गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है यहाँ से। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं, अभी दूसरी साइड देखते हैं। अभी ये देखते हैं, इसमें भी गाइस पंच इक्वल डिस्टेंस पे है और सीक्वेंस में है। दैट मीन्स ये गाड़ी ओरिजिनल है। देखिए, ये पंच रहा, ये पंच है, ये है, ये पंच है, ये पंच है। तो आप उस उधर दूसरी साइड भी, इसको राइट साइड बोलते हैं पिलर का, ये है राइट साइड का सी पिलर, और जो दूसरी साइड है वो है लेफ्ट साइड। ऐसे ही उस साइड भी ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर है, वो लेफ्ट साइड के। इधर राइट साइड का ए पिलर, राइट साइड का बी पिलर और राइट साइड का सी पिलर। अभी बात करेंगे हम दरवाज़ों की। दरवाज़ों का कैसे पता किया जाए, डोर्स जो गाड़ी में होते हैं कि वो चेंज है या नहीं है। दोस्तों, अगर गाड़ी लगती है किसी भी साइड से तो वर्कशॉप में दरवाजे चेंज किए जाते हैं, इसलिए हम पता कर सकते हैं कि अगर दरवाजे चेंज है तो गाड़ी एक्सीडेंटल है। अब दरवाजे कैसे पता करेंगे, सबसे पहले देखिए ये एक सीलेंट होती है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ सीलेंट। ये जैसे जो रबड़ की सीलेंट है, दैट मीन्स कि ये दरवाज़ा ओरिजिनल है, गाड़ी कहीं से भी लगी नहीं हुई है तो ये ओरिजिनल है। ऐसे ही दूसरे इसमें ये देखिए, पूरी सीलेंट लगी हुई है, दैट मीन्स ये दरवाज़ा भी ओरिजिनल है। पीछे का भी देखोगे आप तो वो भी ओरिजिनल मिलेगा आपको, और दूसरी साइड का भी ओरिजिनल मिलेगा। अभी हम देख लेते हैं बोनट, पिलर इस गाड़ी के ओके हैं। अभी हम दरवाजे चेक कर रहे हैं, अभी दरवाजे में हम बोनट चेक करेंगे कि आगे से लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये गाड़ी आगे से लगी हुई है, यहाँ पे सीलेंट बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स ये गाड़ी आगे से लगी हुई है। ये मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीलेंट, वो जो रबड़, आप रबड़ की पट्टी आपने देखी थी वो जो राइट हैंड साइड के डोर्स थे उसमें थी, बट यहाँ पे नहीं है। दैट मीन्स ये चेंज हुआ है वर्कशॉप में, इसको बदला गया है या कहीं पे भी, मतलब इसको चेंज किया गया, गाड़ी आगे से लगी थी। और आगे से लगने के और निशान भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये गाड़ी आगे से लगी हुई है,
ये भी रिपेयर हुआ है, इसको अपर मेंबर बोलते हैं और इसके जो ठीक नीचे होता है रेडिएटर के नीचे उसको लोअर मेंबर बोलते हैं। अभी बात करते हैं हम आगे से लगने की, तो एप्रन होता है दोस्तों जिससे गाड़ी के प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है। अगर एप्रन बना हुआ है तो दैट मीन्स कि उस गाड़ी का रेट नहीं आएगा, वो गाड़ी लेने का कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए दोस्तों इस ये एप्रन बोलते हैं हम इसको, ये है गाड़ी का एप्रन। इसमें भी सीलेंट ये लगी हुई है, ये ओके है गाड़ी का एप्रन। और इधर भी देखिए ये भी गाड़ी का एप्रन ओके है, बट लेकिन यहाँ पे क्रैक आया हुआ है तो इस गाड़ी का प्राइस कम रहेगा और प्राइस पे इफेक्ट रहेगा, तो ऐसी गाड़ी मत खरीदें। अब चलते हैं एप्रन वॉल की तरफ, ये है एप्रन वॉल। अब इस गाड़ी में देखिए एप्रन वॉल बनी हुई है, गाड़ी इधर से लगी हुई है, तो गाड़ी लगी हुई है तो इसका रिपेयरिंग का काम हुआ है इधर से। तो गाड़ी अभी हम बात कर रहे हैं एप्रन की, एप्रन वॉल इसको बोलते हैं। और ये नीचे है लेग, जो बिल्कुल आप नीचे देख रहे हो ये लेग है, लेग भी लेग ओके है, लेकिन आगे से देखना वो लगी हुई है, आपको दिख जाएगा इजिली, दिख जाएगा आपको, आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि लगी हुई है नहीं लगी हुई है। तो दोस्तों इस गाड़ी के एप्रन ठीक है लेकिन एप्रन वॉल लगी हुई है, तो एप्रन वॉल अब इस गाड़ी को परचेज करने से बचें, क्योंकि एप्रन वॉल वाली गाड़ी का भी प्राइस नहीं आएगा। अगर आप बेचने जाओगे, खरीदने जाओगे तो डीलर आपको चिपका ही देगा ये गाड़ी। अब इधर चलते हैं दूसरे दरवाजों की तरफ, ये देखिए यहाँ पे भी गाइस सीलेंट लगी हुई है ये रबड़ की, तो दैट मीन्स ये दरवाज़ा भी ओके है। मैं एप्रन भी पिलर भी चेक करवा देता हूँ, सॉरी ये पिलर भी ओके है, ये देखिए इक्वल डिस्टेंस पे ये आपके निशान बने हुए हैं रोबोटिक पंच के, ये देखिए दैट मीन्स ये पिलर ओके है। अगर ये नहीं है किसी गाड़ी में तो दैट मीन्स वो गाड़ी लगी हुई है साइड से, उसका पिलर बना हुआ है, कटिंग वेल्डिंग करते हैं उसमें, तो वो गाड़ी को मत खरीदें। इसमें देख लेते हैं, इसमें भी गाइस रबड़ लगी हुई है और इसके पिलर भी ओके हैं, इक्वल डिस्टेंस पे रोबोटिक पंच है। तो ये हो गया दोस्तों गाड़ी का पिलर। दोस्तों आपको बैक डोर का भी दिखा देते हैं कि बैक डोर, ये देखिए बैक डोर इसका चेंज है, ये देखिए सीलेंट बिल्कुल भी नहीं है, पूरा दरवाज़ा मतलब पीछे से भी गाड़ी लगी हुई है ये, ये देखिए दोस्तों, दैट मीन्स ये पीछे जो बैक डोर है इसका वो चेंज है, डिक्की बोलते हैं इसको पीछे, ये देखिए दोस्तों यहाँ तक इम्पैक्ट आया हुआ है गाड़ी का, जहाँ भी जिससे भी लगी थी ये देखिए पूरा ये लगी हुई है इधर से। तो आप डोर देख के भी बता सकते हैं कि ये गाड़ी लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, या आगे भी इम्पैक्ट मिलेगा इसको। तो ऐसी गाड़ियों को ख़रीदने से बचें, और डीलर क्या करते हैं ऐसी गाड़ियों को रिफर्बिश करके आम आदमी को चिपका देते हैं, उनको पता नहीं होता प्राइस के बारे में। सो गाइस ध्यान रखें आपको गाड़ी कैसे चेक करनी है और फिर कैसे लेनी है। इंजन के बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।